बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा है हीट वेव को लेकर के एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दोपहर 12 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। बलिया में हीट स्ट्रोक से हुई 69 मौतों को संज्ञान ले लिया है। मंत्री जी को भले ये नेचुरल लगे, भले ही लगे कि हर बार ऐसा होता हो, लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने पूछना है कि ये क्या हो रहा है बलिया में। 12 बजे ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हीट वेव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। 12 बजे एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और बलिया को बताना पड़ेगा कि आखिरकार 69 मौतों का रजिस्टर्ड आंकड़ा जब सामने आया है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि यहां पर मौतों का आंकड़ा इतना है, वो भी रजिस्टर्ड। बाकी गली मोहल्ले गांव में हुई मौतों का अभी कोई आंकड़ा नहीं जुटा पाया होगा, लेकिन गर्मी से हुई हाहाकार और हीट वेव से हुई मौत को लेकर के मुख्यमंत्री जरूर संवेदनशील। उन्होंने 12 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। हाई लेवल की मीटिंग में सब जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है। हर बार ऐसा होता है, गर्मी से लोगों की जान जाती है। ये बात पता रहने के बाद क्या किया गया, छोड़ दिया गया भगवान भरोसे, या फिर कोई तैयारी थी? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? तमाम सवाल खड़े होते हैं जो आम लोगों के जहन में है। बलिया में हीट वेव से 69 मौतों का आंकड़ा और जिस तरीके के अस्पतालों की कंडीशन है, इमरजेंसी में भर्ती कराने वाले हमारे सहयोगी अजय बता रहे थे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? हर बार ऐसे इस तरीके की बयानबाजी जले पे नमक छिड़कने से कम तो नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें हीट वेव को लेकर, तो हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री ने 12 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, और हीट वेव को लेकर प्रदेश में जिस तरीके से अफरा तफरी मची और खासकर बलिया से जो रिपोर्ट आ रही है वो ठीक नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद ने मोर्चा संभाला है। जैसे बिजली की कटौती को लेकर, उसके ड्रॉप को लेकर मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद ने बैठक बुलाई, खुद बिजली मंत्री को तलब किया, अधिकारियों को तलब किया, निर्देश दिया और उसे अपनी पहल से उसे व्यवस्थित करने का काम किया। उसी तरीके से हीट वेव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक आज बुला ली है। चिंतित मुख्यमंत्री आज कोई ऐसी पहल करेंगे, लेकिन प्रकृति का कोप है। आप देखिए कि अषाढ़, अगर हम बात करें हिंदी जो महीने हैं उसमें, अषाढ़ लगभग लगभग आधा खत्म हो गया, पूरा खत्म होने के कगार पे है और बारिश नहीं हुई। ये प्रकृति का प्रकोप है, ऐसा होता नहीं है। आपने लगा याद करिए कि अषाढ़ में कहा जाता है कि जो बारिश का मौसम है, अषाढ़, सावन, भादो और अगला एक महीना, वहां तक बारिश होती है, लेकिन पूरा अषाढ़ खत्म होने को बारिश नहीं है। बारिश नहीं होने की वजह से तापमान बढ़ोतरी है और एक जो कटिया और लोगों का जो अपने आप में भी जो प्रयास नहीं है, लोग कटिया डालने का काम करते हैं, बिजली चोरी का काम करते हैं, ये जो जो नैतिकता का भाव नहीं है, राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं है, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन ये लोग, ये बिल्कुल ये समस्याएं नई नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से जिनके अपने इस हीट वेव में बिछड़ गए, जो कभी वापस नहीं आएंगे, उनके लिए ये जिंदगी भर का दंश है अगर ये बारिश नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत लेके सरकारें आती हैं, तो उनसे उम्मीदें भी उतनी प्रचंड होती है। वीरेश, इस बार इस तरीके की गर्मी के बाद लोगों की जिंदगी छिनने का ये सिलसिला थम जाए, कम से कम बलिया वाले और प्रदेश वाले उम्मीद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यही उम्मीद भरी निगाहों से सरकार से देखा जाता है, अपनों की तरफ देखा जाता है। शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे बड़ी लेवल की मीटिंग बुलाई गई है। सीएमओ की तरफ से भी कुछ बातें कही गई हैं, कुछ तथ्य सामने रखे गए हैं, हम आपके सामने रखते हैं। गर्मी ज्यादा ही है जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं जिनकी देखरेख की जा रही है और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं। हाँ, जो ओल्ड एज के हमारे पेशेंट हैं जिनकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है, इसके लिए जांच टीम आई हुई है और वो जांच कर रही है। हमारे दो डायरेक्टर आए हुए हैं जो कि इस समय कल जिला अस्पताल में देखे थे, पूरी इमरजेंसी से लेकर के पूरा वार्ड और पूरा हॉस्पिटल देखा उन्होंने। जिन क्षेत्रों से मरीज ज़्यादा आए हैं वहाँ भी हमारी टीम गई हुई है।
देखिए जानकारी ही बचाव है, ढोल पीट करके चुनावी प्रचार भले हो लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए जितनी जरूरी एहतियात और जानकारी आपके पास होनी चाहिए आप खुद ब खुद जुटाइए। और घर से बाहर निकलिए तो किस तरीके से निकलिए, इस सारी चीजों की व्यवस्था खुद करके चलिए। बाकी आज 12 बजे की मीटिंग से क्या निकल करके सामने आएगा हम आपके सामने जरूर रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।